बातचीत तो चल ही रही है ना, प्रारंभ से बताया जा रहा है कि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि लोग जहां भी चाहें अपने अनाज को बेच सकते हैं या अपनी चीज़ों को। ये किसानों के लिए है ना, किसानों के इंटरेस्ट में है। लेकिन कुछ राज्यों में इसके बारे में जो पहले की परंपरा है उसको लेकर के मन में कोई भ्रम है, तो ये बातचीत होती है और हमको लगता है कि कभी न कभी पूरी बातचीत से सब लोग संतुष्ट जरूर होंगे और कभी भी किसी के हित के खिलाफ काम नहीं, ये मुझको पूरा भरोसा है। जैसे ही आएगा उसी दिन उसी समय हो जाएगा, जब आ जाएगा वह हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि हम लोग तो 2006 में ही एपीएमसी खत्म कर दिए थे ना, सब लोगों का जो व्यापार उसके माध्यम से इधर उधर था, तो हम लोग तो बिहार ने एक ऐसा राज्य था जिसने समाप्त कर दिया और किसानों को आजादी दी। और बाद में जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया तो उसको आप देख रहे हैं, और इस बार भी कितना बड़ा प्रोक्योरमेंट चल रहा है। तो हम लोग तो किसानों के हित में शुरू से काम करते रहे और कभी किसी को कोई कष्ट न हो इसके लिए ध्यान देते रहे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पंजाब हरियाणा इस तरह में जो पहले से एक परंपरा थी उसको लेकर के लोगों के मन में है और केंद्र सरकार चाह ही रही है उनको सब चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ये बात जरूर स्पष्ट हो जाएगा और लोग जरूर इस बात से सहमत होते हुए और एक दूसरे के प्रति संतुष्ट होंगे, ऐसा मुझको भरोसा है।